में सर्वे करने की अनुमति दे दी है। अब कोर्ट का जो जजमेंट हुआ है उस पर क्या कहा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया था, आप इस मामले की सुनवाई कीजिए। नीचे की अदालत का जो फैसला था उस फैसले के खिलाफ लोग हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, हाई कोर्ट जो है फैसले का के अनुसार जो है सर्वे होगा, उसमें दूसरा कैसे कोई रोक सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि देखिए इसमें कहीं कोई सवाल नहीं है कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको आज जो है देखा जाए तो उसमें लगेगा कि फलना चाहिए ठीक, लेकिन जो घटना 500 बरस पहले हुई, 600 बरस पहले हुई, उसका हिसाब किताब वो सही हुआ गलत हुआ, वो अपराध हुआ या क्या हुआ, उसके बारे में आज आप विचार करने बैठिए उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। जिन लोगों ने मान लीजिए किया, आज जो है आज उस बिरादरी के लोगों को या उस मजहब को मानने वाले लोगों को आप टारगेट बनाइए, इस तरह से समाज नहीं चलता है। अंग्रेजों ने जिस ढंग से शोषण किया यहाँ, अगर हिसाब किताब लगाया जाए जोड़ा जाए कि अंग्रेजी राज के समय जो है हिंदुस्तान में कितने लोग भूख से मर गए, 1943 में यही कलकत्ता में लाश उठाने वाला कोई नहीं था, 200 लाख आदमी मर गए भूख से, और कई बार अकाल आया और अकाल पड़ा अंग्रेजों के नीतियों की वजह से अकाल पड़ा, करोड़ों लोग मरे। जिस ढंग से मैंने जुलुम और अत्याचार किया 1857 के बाद या 1942 में या कई आंदोलन के समय अंग्रेजों ने किया, आज उसके खिलाफ जो है हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी उसमें एतराज़ नहीं दिखाई देता है, और एक आस धर्म के लोगों ने वो भी आक्रमणकारी थे, लेकिन इस बात पर आप विचार नहीं कीजिएगा कि ये क्या नाम है गजनी 17 बार आक्रमण कैसे किया भाई, हर साल आक्रमण करता था, उसके लिए भारतीय समाज के जो लोग थे उन्होंने क्यों नहीं कोई मोर्चा बनाया? हमारे जाति व्यवस्था में जिस मैंने जाति को जिस बिरादरी को अधिकार मिला है राज करने का और राज की रक्षा करने का, वो लोग कहाँ थे भाई? इसलिए सिर्फ ये कह देना फलाना चीज़ हुआ ठिकाना चीज़ हुआ, उसको मौका कैसे मिला और उस समय हम लोग और आप लोग क्या कर रहे थे, इसका भी जवाब देना चाहिए।